नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। स्टैंड क्षेत्र में बनी नगरपालिका की दुकान में एक कबाड़ी के व्यापारी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इसको लेकर संबंधित महिला द्वारा उसकी दुकान खाली कराए जाने को लेकर आवेदन दिया था। उसके बाद तहसीलदार कार्यालय से आदेश जारी हुआ, जिसमें नपा की 3 दुकानों को खाली कराने को कहा गया। आदेश मिलते ही शनिवार की शाम को कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित व्यक्ति से दुकान खाली करने को कहा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संबंधित व्यक्ति से दुकान खाली करने को कहा। इस पर संबंधित व्यक्ति द्वारा दुकान को खाली करने का कार्य शुरू किया गया। जब तक दुकान पूरी तरह से खाली नहीं हुई, तब तक मौके पर कोतवाली पुलिस मौजूद रही। सालों पुराने अतिक्रमण को हटता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बताया जाता है कि इस कबाड़े की दुकान संचालक द्वारा अवैध तरीके से करीबन 3 दुकानों पर सालों से कब्जा किया हुआ था, जिसकी शिकायत अनीसा बी द्वारा लगातार प्रशासन से की जा रही थी। यह मामला तहसीलदार यशवर्धन सिंह के पास पहुंचा। उसके बाद शनिवार को तहसील कार्यालय से दुकान खाली कराने के आदेश मिला, जिस पर शाम करीबन 6 बजे के लगभग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। विदिशा से रवि चौरसिया की रिपोर्ट। इस संबंध में 28/1/21 का श्रीमान SDM महोदय की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ था। इसमें आवेदिका है अनीसा बी और अनावेदक है इसमें साकर खां। तो अनीसा बी को 3 दुकानों का 3-3 सेटों का कब्जा दिलाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। करने के लिए दी अपन ने दुकान है, इसने कब्जा कर लिया। अपन ने हटाने का लड़ाई झगड़े को उतारू हो गया। अपन ने SDM साहब के बाद देख गए, वहाँ से माननीय SDM महोदय ने अपने पक्ष में आदेश करा खाली करने का 7 दिवस का। 7 दिवस के पश्चात इसी दौरान हाईकोर्ट से स्टे ले आए SDM महोदय कार्रवाई रोकने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए दैनिक दिल्ली न्यूज के साथ। नमस्कार।